हेलो एवरीवन वेलकम बैक मैं जुगदीव कुमार टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दी एन जैम सब टॉपिक ऑफ योर बायोमोलिक्यूल ऑफ इलेवंथ क्लास नाइन्थ चैप्टर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एंड फॉर आल्सो इलेवंथ क्लास स्टूडेंट बिकॉज इन नीट एग्जाम सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आर्स फ्रॉम दिस टॉपिक हर साल इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है आप इसको कोई भी पेपर लास्ट ईयर का उठा के देखें आपको नेट एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा हर साल मिलेगा लास्ट टेन ईयर की बात कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आपके नेट के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला दूसरा इलेवंथ क्लास का जो बच्चा है उसके लिए भी ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है अब हम इसके बारे में इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती हैं स्लो होती हैं तो स्लो होती है तो उनको क्या है एक लो टेम्परेचर चाहिए होता है और एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है लो टेम्परेचर मतलब क्या आपकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दैट इज लो टेम्परेचर जैसे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस दैट्स मीन इस टेम्परेचर पे हमारे जितने भी एंजाइम होते हैं वो वर्क करते हैं और भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि पीएच को क्या होगा पीएच भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज के लिए कि कौन सा एंजाइम किस पीएच पे वर्क करेगा दूसरा कि ये जितनी भी कंडीशन होती है कंडीशन अंडर विच विच लिविंग सेल कैरी ऑन देयर प्रोसेस यानी किसी भी सेल के अंदर अगर एंजाइम की कोई सी प्रोसेस हो रही होती है तो उस सब चीज के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए पहली चीज तो ये होता है कि वो रिएक्शन क्या होती है स्लो प्रोसेस होती है दूसरा एक लो टेम्परेचर और हर क्या है? लो है हाई नहीं है ना लो हर चीज पे एंजाइम जो होता है अपनी एक्टिविटी कब शो करता है जब वो लो प्रोसेस उस पे होती है अब इस चीज को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने अलग अलग एंजाइम के बारे में कहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्टों के जो नाम हम यहां अब डिटेल कर रहे हैं तो पहला क्या है एंजाइम क्या है एक्चुअली जो आपने अभी पढ़ा तो सिंपल भाषा में इसके बारे में एक लाइन लिख ले, लेते हैं कि एक्चुअली एंजाइम क्या है ये एक बायो कैटलिस्ट होते हैं दे आर बायो कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट होता है हम अभी समझेंगे इसके बारे में दैट दैट स्पीड स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है इनक्रीज कर देता है स्पीड बढ़ा देता है उसकी कैसे समझने के लिए देखें कि कोई ए रिएक्टेंट है ये ए एक क्या है रिएक्टेंट है इस ए रिएक्टेंट से कोई भी हम यहां पे प्रोडक्ट बनाते हैं सपोज मैंने कहा कि यहां पे टू के का कोई प्रोडक्ट है वो टू के का प्रोडक्ट फाइव के के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है इसका अमाउंट कम था उसके अमाउंट को क्या करना है मुझे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करेगा कि वो यहां पे कोई ना कोई एक एंजाइम यूज करेगा जो इस रिएक्टेंट के अमाउंट को इनहेंस कर देगा और ज्यादा अमाउंट बन जाएगा यानी किसका अमाउंट ज्यादा हो गया ए एक टू के जी था तो कितना हो गया फाइव के जी हो गया सपोज करो किसका हम उल्टा करते हैं कि अगर मान लो कुछ फाइव के जी का रिएक्टेंट है और हमें कम अमाउंट में क्या बनाना है क्या कम अमाउंट में क्या बनाना है प्रोडक्ट बनाना है टू के जी का प्रोडक्ट बनाना है तो भी हम क्या कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं एंजाइम यूज कर सकते हैं या फिर हमने कहा कि अगर हमें स्पीड बढ़ानी है किसी रिएक्शन की सपोज करो कि पहली वाली जो ये वाली रिएक्शन है ये रिएक्शन 10 मिनट ले लेती ले है कंप्लीट होने में कितना मिनट लगा लेती है 10 मिनट ले लेती है कंप्लीट होने में इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम एंजाइम की अब्सेंस में ये रिएक्शन ने कितना टाइम ले लिया 10 मिनट ले लिया अगर मुझे इस रिएक्शन को जल्दी कराना है जल्दी फास्ट कराना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर कोई ना कोई ऐसा एंजाइम लूंगा जो इस रिएक्शन को क्या करेगा बहुत फास्टली इसमें कन्वर्ट कर देगा यानी पहले इसमें दस मिनट मिनट लिए इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इसका जो टाइम पीरियड है ये कितना हो जाएगा मैंने बोल दिया कि ये टू मिनट हो जाएगा एंजाइम की टाइम तो वर्क, मतलब वर्क करता है जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबोलिक एक्टिविटीज होती है चाहे वो कैटाबोलिज्म में हो या फिर एनाबोलिज्म में हो तो जितनी भी रिएक्शन होती है दोनों टाइप की उन सबों को एंजाइम कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है और डायरेक्टली भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है तो इस चीज को समझने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए अलग अलग उन्होंने अपनी अलग अलग विचार रखे एंजाइम को समझने के लिए या फिर एंजाइम की कहानी कहां से हुई हम उसके बारे में बात करते हैं और ये सारे के सारे नेट के क्वेश्चन है पहला पहला हम यहाँ पे बात करते हैं कि एंजाइम जो टर्म है वो किसने दी तो आप लिखें कि दिस टर्म इज द टर्म एंजाइम ये जो टर्म है एंजाइम की ये किसने दी है <laughs> विली कुहने जो साइंटिस्ट था इसने कौन सी टर्म दिए एंजाइम टर्म दिए आप इस चीज के बारे में याद रखें पहला क्वेश्चन तो ये भी है दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या है एक साइंटिस्ट है लुइस पास्चर लुइस पास्चर इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं इस साइंटिस्ट ने क्या कहा इसने कहा कि अगर किसी भी किसी भी और जैसे हम बोलते हैं कि सुगर से सुगर से किसका फॉर्मेशन होता है एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है सुगर को गड़ाने के लिए सड़ाने के लिए उससे जब एल्कोहल को इसमें कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें ऐड किया जाता है ईस्ट ईस्ट को ऐड किया जाता है तो इस साइंटिस्ट ने क्या कहा लुइस पास्टर ने लुइस पास्टर ने यह कहा कि अगर आपको शुगर को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में तो आप क्या एक पूरा ईस्ट यूज कर लें। एक ईस्ट क्या है इसके अंदर कंप्लीट का जैसे एक ईस्ट जो होता है उस कंप्लीट ईस्ट को इसने इसके अंदर ऐड कर दिया जब कंप्लीट ईस्ट इसके अंदर अगर ऐड हो जाएगा तो सुगर किसमें चेंज हो जाएगा एल्कोहल में लेकिन एक दूसरा साइंटिस्ट आया तो इस लुइस पैसर ने यहां पे जो शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट होता है इसका उसने नाम दिया था फर्मेंट फर्मेंट्स बोलते हैं, फर्मेंट्स इसने नाम लिया था फर्मेंटेशन जो वर्ड आप पढ़ते हो फर्मेंटेशन लुइस पास्टर ने ही दिया था कि सुगर से अल्कोहल के कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम जो ईस्ट के पास जो एंजाइम होता था कंप्लीट ईस्ट यूज किया था इसने सुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए दैट एंजाइम को उसने नाम दिया था फर्मेंट लाइक एज मैं सिंपल भाषा में ईस्ट के बारे में कहूं तो लिस्ट ने कहा था कि लिस्ट लुइस पास्टर ने एक टर्म दी थी गेव द गेव द फर्मेंट फॉर्मेंट्स फॉर द कंटेंट्स ऑफ ईस्ट ईस्ट के जो कंटेंट थे उनको उसने क्या नाम दिया था फर्मेंट्स नाम दिया था दूसरा कि इसी के लिए दैट ये ईस्ट के जो फर्मेंट uh, हैं ये क्या करते हैं दैट ब्रेक डाउन दैट ब्रेक डाउन सुगर टू एल्कोहल यही तो लाइन आपने अभी लिखी कि लुइस पास्टर ने कहा कि शुगर से सेल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है और के अंदर कुछ एंजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते तो उन को इसने कहा? फॉर्मेट कहा इसी को ही समझने के लिए एक और साइंटिस्ट आया था बचनर है ना तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि उस साइंटिस्ट ने क्या कहा था लुइस पास्टर का जस्ट सिमिलर है बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है वो देख लेते हैं एक और साइंटिस्ट आया था बचनर इस साइंटिस्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है लुसर ने कहा था कि एक कम्प्लीट ईस्ट यूज करो किस को कन्वर्ट करने के लिए सुगर को एल्कोहल में इस साइंटिस्ट ने कहा कि सुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंप्लीट कंप्लीट ईस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्लीट ईस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसने कहा आप क्या करें एक ईस्ट लें और उसके उससे आप कुछ उसको जैसे रब करते हैं तो ऐसे क्या कुछ रस निकलता है तो आप उसका एक्सट्रैक्ट ले लें एक्सट्राक्ट मतलब जो 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 रस निकलना वाला होता है, जो से, जो होता है है उसकी बॉडी से कंटेंट उसका एंजाइम होता है सिर्फ वो ले लो या फिर ये कहा कि कोई भी ईस्ट है तो उसका एक पीस ले लिया छोटा सा टुकड़ा अब यहां पे इस चीज को समझे कि ल्यूस पैस्टर ने तो ये कहा था कि कंप्लीट ईस्ट यूज करें बट बचनर ने कहा कि इसमें कंप्लीट कंप्लीट ईस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसने एक सिंपल वर्ड यूज कर दिया था एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट इसने एक वर्ड यूज करा जिसको यू, आ, जो क्या करेगा सुगर को किसमें कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में ये किसने कहा था बचनर ने लेकिन लुइस पासर ने क्या कहा आप उस चीज को याद रखें दूसरा इसने जब एंजाइम का नाम लिया था कि एक्सट्रेट ऑफ ईस्ट से जो एंजाइम निकला उसका नाम इसने नाम दिया था जाइमेज। नाम याद रखें कि जायेज किसने दिया और फर्मेंट किसने दिया ये इंपॉर्टेंट है निट के एग्जाम के लिए निट के क्वेश्चन है ये निट के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ठीक है तो सुगर से एल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए एक्सट्रेक्ट ऑफ ईस्ट यूज किया गया अब इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं हम भाई किसने क्या कहा तो बचनर ने कहा ही गेव द टर्म ही गेव द जाइमेज इसने एक टर्म यूज करी और इसने क्या कहा फॉर दी the... फॉर दी एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स्ट्रैक्ट ऑफ ईस्ट ईस्ट से जो एक्स्ट्रैक्ट यानी जो उसका रस निकला होगा जब उसको पीसा गया होगा ना ईस्ट को तो उससे कुछ ना कुछ जो निकला था उसका, उसका उसने क्या नाम दिया दे दे था जायमेज नाम दिया था ओके दैट दैट ब्रेक डाउन जो ब्रेकडाउन करता है किसको? Sugar to alcohol. Sugar को किस को सुगर टू एल्कोहल शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में ब्रेक डाउन कर देता ऐसा किसने कहा था बचनर ने कहा था तो ये एक सेकंड साइंटिस्ट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है थर्ड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जो इसी में जो देखो ये नीट के क्वेश्चन है मैं आपको आप सोचोगे कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में ये नीट के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं ओके इन साइंटिस्टों के टर्म और इनका जो एक एक वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है सेकेंड साइंटिस्ट था समर सेकेंड साइंटिस्ट था समर समर ने क्या कहा हम उसके बारे में देखते हैं तो समर ने कहा था कि फर्स्ट टू प्यूरिफाई ये वो साइंटिस्ट था इसके बारे में आप लाइन लिखें बस एक ही कि इसने कहा ये फर्स्ट साइंटिस्ट था फर्स्ट टू प्यूरिफाई इसने सबसे पहले एंजाइम को प्यूरिफाई किया एंड क्रिस्टलाइज crystallize किया क्रिस्टलाइज्ड एन एंजाइम एन एंजाइम द एंजाइम वाज द एंजाइम वाज जो एंजाइम इस साइंटिस्ट ने दिया था उस उसका नाम है उस उस एंजाइम का आपको नाम याद रखना है वो एंजाइम का नाम है यूरिएज ये पीएमटी का क्वेश्चन है कि समर ने सबसे पहले प्यूरिफाई किया था कोई एक एंजाइम और उसको क्रिस्टलाइज भी किया था तो क्रिस्टलाइज जो एंजाइम था वो फर्स्ट एंजाइम कौन सा यूरियस या फिर आपसे ये पूछे कि सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर्ड एंजाइम था वो क्या था तो आप बोलोगे यूरियस था ठीक है इसी लाइन को अभी कंप्लीट करते हैं एंड इसने कहा से इसको ऑप्टेंड किया तो आप बोलोगे इट इज एंड ऑपटेंड फ्रॉम ऑप्टेंड फ्रॉम जैक बीन That is Jack Bean, जिसको कहा गया है इसका साइंटिफिक नेम है कैनावेलिया कैनावेलिया इनसी ये इसका साइंटिफिक नेम है तो आपको इसके बारे में याद रखना है कि जैक यूरियस जो एंजाइम था फर्स्ट टाइम जो डिस्कव किया गया था वो समर ने किया था और वो क्या था यूरियस था और वो उसका नाम क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओके तो अब हम एक और लास्ट इसमें जो साइंटिस्ट है जो समर ने ही कहा था तो हम सबर के बारे में एक एक लाइन और लिखेंगे अभी जस्ट ठीक है तो उसके लिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं समर ने एक और लाइन कर, करी थी कि समर वाज आल्सो टू फर्स्ट प्रपोज द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम आपको पता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं ऑल एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर सम एक्सेप्शन आर अवेलेबल कुछ एक्सेप्शन है जैसे राइबोन्यूक्लियर नीट का क्वेश्चन है वो भी लिखेंगे हम थोड़ी देर में तो अभी क्या है कि समर ने इस चीज को भी आल्सो दी फर्स्ट टू प्रोपोज फर्स्ट टू प्रपोज द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम प्रोटीन नेचर जो एंजाइम का है वो इस साइंटिस्ट ने करा है इट वाज सॉरी इफ नहीं इट वाज इट वॉज कन्फर्म बाय कन्फर्म बाय एक साइंटिस्ट है जिसका नाम याद लिख रहे हैं हम यहां पर नॉर्थ रोप नॉर्थ रोप एक साइंटिस्ट है नॉर्थ रोप जिसने इसके बारे में थोड़ा कुछ सपोर्ट में कहा था कि हाँ इसने सही कहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनिस्ट नेचर होते हैं तो आप इस चीज के बारे में याद रखें निट का क्वेश्चन वाली बात कर लेते हैं थोड़ी ठीक है यह आपके साइंटिस्टों के रिलेटेड सारी चीजें हो गई जो निट में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता, आता है अगर एनजे से पूछा जाता है ठीक है अगर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो साइंटिस्टो रिलेटेड तो आपके यही आएंगे जो आपको अभी बताया आपने आपने जो भी पढ़ा है नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट की लाइन है निट में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला निट में ये क्वेश्चन आ चुका है यहां से क्वेश्चन क्या था ये था कि जितने भी एनजेम होते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल एंडम ऑल एंडम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट ये क्वेश्चन था जो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट फॉर फ्यू रिसेंटली डिस्कवर्ड रिस डिस्कवर्ड वो कौन कौन से थे आर एन ए रिसेंटली डिस्कवर्ड आर एन ए वर्ड को अंडरलाइन करें आर एन ए कैटलिस्ट आर एन ए कैटलिस्ट आर कॉल्ड ये नीट का क्वेश्चन था कि वो क्या थे जो अलग से ये क्या है राइबोजाइम है राइबोजाइम राइबोजाइम इट इट इज ए न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक किसकी तरह एक्ट भी करते हैं इस चीज को याद रखेंटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता आर एन ए बहुत सारे एक्टिविटी uh, में पार्टिसिपेट करता है एज ए अडेप्टर भी वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट भी वर्क करता है ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओके तो हम उनके बारे में इसकी बात करेंगे और वो क्या है फॉर एग्जाम्पल नाम है दैट इज राइबो न्यूक्लियस ओके फॉस्फेट राइबो न्यूक्लियस फॉस्फेट एंड एक और है आपको वो लिख लेना है पैप्टी डील ट्रांसफेरेज ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको एंजाइम के अलावा और अलग से याद रखने जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के क्वेश्चन रह चुके हैं इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है यहां पे ठीक है अब हम एंजाइम को डिवाइड करते हैं एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि एंजाइम को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है तो उसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल करेंगे ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक like करें शेयर करें कमेंट करें और जो हमारे पुराने हैं वो तो प्लीज हमारे चैनल को जितना लाइक like कर सके और जितना अपना प्यार दे सके उतना ही कम है थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो